नमस्कार, इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त मनोज, आपके लिए विशेष समाचार HSSC की विशेष वेबसाइट से। ग्रुप डी की ज्वाइनिंग प्रोसेस आज ही शुरू कर दी गई है और बच्चों को 8:30 बजे यानी 8:30 पर कॉलिंग की गई है इनके रिस्पेक्टिव हेडक्वार्टर्स पर। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने HSSC की ज्वाइनिंग के लिए कहाँ कहाँ जाना है, वो भी हमारे साथ बने रहें। लेकिन साथ में ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है कुछ तो क्या हमें टाइम मिलेगा, क्या ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो इन सभी क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो में बने रहें हमारे साथ। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो रात 12 बजे के आसपास ये मैसेज आना शुरू हुआ है लोगों के पास कि आपकी काइंडली चेक डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन फॉर ग्रुप डी ऑन HSSC वेबसाइट, रिपोर्ट टू डिपार्टमेंट फॉर ज्वाइनिंग ऑन 22/1/2019 एट 8:30 AM यानी 8:30 बजे अपनी ज्वाइनिंग के लिए डिपार्टमेंट्स में जाएं। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको HIRMI KUK में जाना है। इरिगेशन हिरमी में जिनका हुआ है उनको KUK में जाना है। फिर पुलिस में हुआ है तो मधुबन करनाल, PWD BR में हुआ है तो उनको ऑफिस सेक्रेटेरिएट हिसार में जाना है, और स्टेट ट्रांसपोर्ट में हुआ है तो न्यू बस स्टैंड करनाल, इन चार जगहों में जाना है। और नीचे जो लिख रखा है ऑल अदर डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिव हेडक्वार्टर्स, इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए आपको उनके हेडक्वार्टर्स पर जाना है। जैसे सपोज कीजिए सेकेंडरी एजुकेशन का हेडक्वार्टर पंचकुला है तो उनको पंचकुला पहुंचना है, किसी को बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिला है तो उनको भिवानी पहुंचना है, उनका हेडक्वार्टर भिवानी है। किसी को सपोज कीजिए विमेन एम्पावरमेंट का मिला है तो उनको चंडीगढ़, कॉमर्स के मिले हैं तो चंडीगढ़ में, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज उनको जिस तरह से पोस्टिंग मिली है अपने गूगल पर सर्च करें, हेडक्वार्टर नाम से अपना डिपार्टमेंट लिखें, उन हेडक्वार्टर से सर्च कर लें, आसानी से आपको मिल जाएगा कि हाँ हमें वहाँ पहुँचना है। इसमें कोई 8 बजे यहाँ इन्होंने दे रखा है 8:30 का, लेकिन कोई परेशानी नहीं होगी, आप आज शाम 5-6 बजे तक भी आराम से पहुँच सकते हैं, यानी ऑफिस टाइम 5 बजे बंद होने का है, उससे पहले पहले कभी भी पहुँचें, आपकी ज्वाइनिंग निश्चित रूप से कर ली जाएगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट के लिए आपको ज्वाइनिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाएं। देखिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो पूरा का पूरा प्रिंट आउट जो आपके पास है ले जाएं, रोल नंबर जो आपके थे वो भी ले जाएं, आपकी फ़ी स्लिप थी वो भी ले जाएं साथ में, 10th की DMC ले जाएं, बिल्कुल रिक्वायर्ड है, ओरिजिनल कह रहा हूँ ये, 12th BA DMC इफ़ यू फिल इन एप्लीकेशन, अगर आपने एप्लीकेशन में अपनी एडिशनल क्वालिफिकेशन ये फिल की है चाहे जो भी है MSc PhD तो वो ले जाएं, SC BC स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यानी SC का कास्ट सर्टिफिकेट, BC का कास्ट सर्टिफिकेट या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए आपके कोई सर्टिफिकेट हैं तो वो ले जाएं, हरियाणा का आपका डोमोसिल, फैमिली गवर्नमेंट जॉब डिक्लेरेशन वो भी लेके जाएं अपना साथ में, वो आपके फॉर्म के साथ अनेक्सर जो आपने भरा था वो है उसको साथ में लेके जाएं, फादर डेथ सर्टिफिकेट इफ़ रिक्वायर्ड, अगर आपके फादर की डेथ सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसको लेके जाना है, अपनी कुछ 5-4 फोटो भी साथ में ले जाएं, 5-7-10 जितनी भी हो सके, करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाएं और आधार कार्ड, यानी ये चीज़ें मस्ट है आप इनको लेकर जाएं। अब इन चीज़ों को एक बार फिर से देख लें, एप्लीकेशन फॉर्म, रोल नंबर, फी स्लिप, 10th DMC, 12th BA यानी जो आपने क्वालिफिकेशन भरी थी वो ले जाए सारी, SC BC का कास्ट सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, हरियाणा डोमोसिल, फैमिली गवर्नमेंट जॉब डिक्लेरेशन, फादर डेथ सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड, फोटो, करेक्टर सर्टिफिकेट और आधार कार्ड। अब नीचे है कि अटेस्टेड कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट यू रिक्वायर्ड टू सबमिट एट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, यानी अटेस्टेड कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट, अटेस्टेड का मतलब है दोस्तों आप सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं, अगर वहाँ जहाँ आप पहुँच रहे हैं डिपार्टमेंट में अगर वो कहे कि डिपार्टमेंट से गेजेटेड ऑफिसर हो तो वहीं आसपास आपको स्कूल वगैरह में कहीं कुछ या सेक्रेटेरिएट में भी आपको गेजेटेड ऑफिसर मिल जाएंगे, वहाँ से आप अटेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और देखने वाली बात है दोस्तों कि ये डॉक्यूमेंट में कोई भी कुछ कमी है आपकी तो क्या रहेगा। तो दोस्तों जैसे फैमिली गवर्नमेंट जॉब डिक्लेरेशन है तो इसके बेस पर तो आपको 5 नंबर मिले हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये नहीं है आपके पास तो मेरे ख्याल से, या कोई भी आपके पास नहीं है इनमें से, तो आपको वो अंडरटेकिंग लिखकर आपसे एक कागज़ पर लिखवा कर कि ज्वाइनिंग एक बार दे रहे हैं वो प्रोविजनल रहेगी और आपको 10 दिन का 15 दिन का या महीने का एक फिक्स समय दिया जाएगा कि इस दौरान आप ये अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें ज़रूर दिखाएंगे, एक बार इसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे, तो उस सिचुएशन में आपको ये एक बेनिफिट मिलेगा। तो अंडरटेकिंग वहाँ पर देने में कोई दिक्कत नहीं है आपको, अगर वो ले कि ये आपका डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है तो हम आपसे ये अंडरटेकिंग दे दीजिए कि इतने दिनों में हम पहुंचा देंगे या वेरिफिकेशन करवा देंगे, वो 5 दिन दे 10 दिन दे तो आप वो अंडरटेकिंग आराम से दे सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहेगी आपकी ज्वाइनिंग की, फिर जैसे ही कोई अपडेट आती है HSSC ग्रुप डी की ज्वाइनिंग की रिकॉर्डिंग तो हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। आप सभी जो भी ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए लेते हैं आपसे विदा, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।